खबर कुशीनगर से है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, कुशीनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने किया गांव का निरीक्षण। ट्रैक्टर पर सवार हो डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा। नेपाल द्वारा बड़ी गंडक नदी नारायणी में पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में आई बाढ़। अचानक नदी में पानी बढ़ने से रेता इलाके में काम करने गए 20 से अधिक लोग पानी में फंसे। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ के प्रशासन ने मांगी मदद। रेता क्षेत्र में खेतों में काम करने गए थे फंसे हुए सभी लोग। वापसी में नारायणी का जल स्तर बढ़ने से बच्चे, महिलाएं और पुरुष के साथ बुजुर्ग भी फंसे। नेपाल ने बीते दिन बड़ी गंडक नदी में 4.40 हजार से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा। खड्डा तहसील के शिवपुर रेता इलाके का मामला। संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट। थाना खड्डा क्षेत्र में शिवपुर क्षेत्र के पास में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। जैसे ही पुलिस और प्रशासन को सूचना मिली है, यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है और बोट से 60 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हर एक मकान, हर एक जो भी जहाँ पर जलभराव की स्थिति है वहाँ पर हर एक मकान को चेक किया जा रहा है कि कोई और व्यक्ति तो अभी तक नहीं फंसा है। तो फिलहाल सारे लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। यहाँ पर प्रशासन के लोगों के माध्यम से जो कम्युनिटी किचन है वो भी सक्रिय किया गया है, जिससे सभी को उचित समय पर भोजन मिल पाए और किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो। यहाँ पर पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। एक यहाँ पर बाढ़ राहत जो चौकी है वो भी यहाँ पर सक्रिय है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी आ गई हैं। तो कुल मिला के स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी नागरिकों को सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाए। नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण वाल्मीकि बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ये करीब लगभग 6 गाँव सीधे प्रभावित हुए हैं और कुछ गाँव में पानी अंदर ही घुस गया है। पूरी यहाँ राहत टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के अधिकारी, रेवन्यू के अधिकारी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी ग्राम के लोगों को, यहाँ के लोगों के निवासियों को कोई सुविधा देने का और सारी इनको जितनी भी राहत सुविधाएं होती हैं प्रदान की। नहीं, गांव में पानी है और कोई व्यवस्था नहीं है। आप ट्रैक्टर से खुद आए हैं पानी में, तो क्या देख रहे हैं इस गांव के लिए? पानी आ रहा है अभी तो हमारे लिए का प्रायोरिटी ये है कि ये यहाँ के गाँव के लोगों को पानी जो भराव है, जल भराव है, उससे कोई असुविधा न हो, उनको खाने पीने, उनको रहने के लिए हम लोग सुरक्षित जगहों के ले जाएँ और उसके बाद इसके भविष्य के लिए क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में।